तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ बेसिक टॉपिक आपकी फोरियर सीरीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ आपको बोलना चाहूँगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर जा करके आप जो है फॉर्मूलों को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले एंड रूल्स मिल जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको फोरियर सीरीज में ही नहीं बल्कि अभी आपको जो कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ वहाँ पर भी काम में आने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज़ से कि हमारी वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है क्या। तो ये हैं गाइस आपकी वो प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा बहुत सारी अभी तो प्रॉपर्टी हैं, विद एग्जाम्पल आपको बताने भी वाला हूँ, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टी को देखिए, मैं विद एग्जांपल फटाफट से बता देता हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो बहुत लोगों को पता होगी जिन्होंने अपनी इंटर में अच्छे से पढ़ाई की है या उनको बेसिकली नॉलेज है, ठीक है। तो आपका फॉर एग्जांपल इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हमसे कह रहा है कि अगर एक्स की पावर एन है, यानी कि आपसे इंटीग्रेशन सपोज निकलवाया जाए एक्स की पावर टू डी एक्स, तो इक्वल में आपका ये हो जाएगा एक्स थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, ठीक। वही बात यहाँ पर है कि n प्लस वन हो जाता है आपका थ्री, यानी कि टू टू प्लस वन आपका कितना होता है बेटा थ्री, ठीक है। तो वही है, अब आपका सेकंड का जो एग्जांपल ले हैं यहाँ पे, तो एग्जांपल हमारा बनता है a। a यहाँ पे क्या है बेटा, आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है ये। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल सपोज आप ले लीजिए यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर का ले लीजिए, यहाँ पे डी एक्स इक्वल में आप मान के चलिए आपने फोर को बाहर ले लिया, देन आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स आगे आप खुद सॉल्व कर लेना, मैं आपको फटाफट से बता रहा हूँ, ब्रीफ में आपको नॉलेज होगी, ठीक है। सो आगे आपका अगर थर्ड एग्जाम्पल लें इसके लिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ पे आपका माइनस और कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस की कंडीशन में दोनों ही सेम कंडीशन होती हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है, सेकंड का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सपोज आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है एफ वन, ठीक है, और प्लस माइनस मैं इसे एफ टू मान लेता हूँ, देन इसमें आपको सॉरी ये तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस तरीके से, सपोज आपको दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक, देन आपका प्लस दे रखा है आपका एक्स क्यू, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इनका। सो डी एक्स इक्वल में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी आपका यहाँ पे डी एक्स, देन आपका प्लस माइनस, मेरे भी यहाँ पे प्लस माइनस कर देता हूँ, देन आपका एक्स क्यू आपका डी एक्स किस में बेटा, इंटीग्रेशन में, ठीक है। यानी कि दोनों का आपको क्या कर देना है यहाँ पे इंटीग्रेशन, प्लस का हो या माइनस का आपकी सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है। सो नाउ इसके लिए आप देखते हैं फोर्थ के लिए, फोर्थ के लिए अगर हमारा एग्जाम्पल बनता है तो वो क्या बनेगा बेटा, तो वो बनेगा हमारा, देखिए यहाँ पे रखा है a, a यहाँ पे भी आपकी क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन इस कंडीशन में a जो होता है आपका वो आपका नीचे आ जाता है, यानी कि a से आपका डिवाइड हो जाता है। सपोज आप मान के चलिए आपके पास है यहाँ पे साइन 2x है आपके पास, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा यहाँ पे साइन एक्स साइन 2x है, तो यानी कि आपका माइनस के कॉस एक्स, ठीक, माइनस के कॉस एक्स सॉरी माइनस के टू कॉस एक्स अपॉन के ये हो जाएगा आपका टू, ठीक है बेटा। इतना होने के बाद आपको प्लस सी और कर, ओहो ओहो बेटा हमसे ये गलती हो गई, ठीक है, इंटीग्रेट कॉस टू एक्स प्लस सी, ठीक हो गया। अब आ जाइए आप फाइव वाले पे, ठीक है। फाइव के लिए अगर एग्जांपल देखें तो बेहद सिंपल एग्जांपल है, सपोज आप मान के चलिए आपका एक्स स्क्वायर है लेकिन वो माइनस का, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, सपोज आपने माइनस बाहर ले लिया देन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, आगे आप खुद करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के एक्स की पावर थ्री अपॉन के थ्री प्लस के आपका सी, ठीक। तो चलिए ये प्रॉपर्टी आपकी होगी फिनिश, आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आइलेट रूल, आइलेट रूल, ठीक है। तो आइलेट रूल हम आपको बताएंगे जो कि आपके बायपार्ट्स रूल में ही यूज होता है, और उसके बाद चेन रूल, ठीक, और कुछ ट्रिक। तो
अब हम यहाँ पे समझेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, ठीक है। और ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोरियर सीरीज के लिए, क्योंकि फोरियर सीरीज में सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल, ठीक है बेटा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल जो होता है, इसमें आपका जो है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट आपको पाया जाता है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह होता है। आपका एक यू से डिनोट किया जाता है, जिसे हम फर्स्ट फंक्शन या फिर उसे हम सेकंड फंक्शन भी कहते हैं। अब वो बताऊंगा क्यों। और एक होता है आपका वी फंक्शन, जिसे हम फर्स्ट फंक्शन या फिर सेकंड फंक्शन कहते हैं, ठीक। यानी कि आपको यहाँ पे कितने फंक्शन पाए जाते हैं, दो फंक्शन, जिनका कुछ फॉर्मूला इस तरीके से बनता है, इंटीग्रेशन सिंबल बनाएंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके पास क्या है, पहला u, ओके, और आपका है फिर v, ठीक, और उसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट को आपको एज इट लिख देना है, यानी कि u को आपको एज इट लिख देना है। मैं देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको मान लेता हूँ मैं सेकंड, ठीक। तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट है उसे आप एज इट रखिए, सेकंड वाले का आपको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है, ओके, देन आपको माइनस, ठीक। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन, देन आपको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी, ठीक। अब आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट वाले का, ठीक है, यानी कि u का, देन प्रोडक्ट, और आपको v का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसका बेटा, v, यानी कि सेकंड का, तो आपका सेकंड का dx, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, देन आपको ये बंद कर देना है। अब आपका जो ये सॉल्यूशन निकले, टोटल ये जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा, उस सब का आपको इंटीग्रेशन करना है। जैसे कि मैं सिंबल लगा दी, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है। तो ये होता है टर्म। अब यहाँ पे बात ये आती है सबसे इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पे हम u को फर्स्ट पॉइंट माने या फिर v को, या फिर इसको हम सेकंड पॉइंट माने या फिर इसको सेकंड पॉइंट माने, ठीक है। तो इसके लिए यूज होता है यहाँ पे आपका आइलेट रूल। तो आइलेट रूल का मतलब क्या होता है वो आपको बताता हूँ, आइलेट रूल, ओके, आई, मैं इस तरीके से लिखता हूँ उसको, आई लेट, ठीक है, आई लेट। तो आई का मतलब यहाँ पे क्या होता है वो समझिए, आई का मतलब होता है यहाँ पे इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं बेटा, कि साइन इनवर्स एक्स, और आपका हो सकता है कॉस इनवर्स एक्स, कुछ भी, ठीक है, यानी कि जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू होती है, आप ये कह लिए फंक्शन जो होते हैं वो इनवर्स में हो, ठीक है, उन्हें बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एल, एल यानी कि लॉगरिथमिक, ठीक है, लॉग फंक्शन, फंक्शन, जैसे कि आपके लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि लॉग एक्स, लॉग, सॉरी, लॉग एक्स स्क्वायर, कुछ भी, ठीक है, इटेस्ट्रा। एंड ए का मतलब होता है यहाँ पे एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वन हो गया आपका, टू हो गया आपका, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि एक्स की पावर एन, ठीक। तो ये होते हैं आपके एलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब होता है यहाँ पे टी, तो टी यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन एक्स एंड आपका कॉस एक्स, ठीक है, एटेस्टा।
हिंट, e का मतलब होता है आपका एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन सपोज ex, आपका a की पावर x एंड आपका a की पावर 3x, एटेस्ट्रा. ठीक है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं. तो अब ये हमको क्या बताते हैं कि प्रायोरिटी बताते हैं किसी भी फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते समय बाय पार्ट रूल्स के थ्रू. सपोज आपके सामने मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंटीग्रेशन करना है, जैसे कि आपका साइन, ठीक है, साइन एक्स लिया मैंने और यहाँ पे डॉट किया मैंने और एक्स स्क्वायर किया और यहाँ पे कर दिया मैंने डी एक्स. ठीक, फर्स्ट एग्जाम्पल. तो आप ये बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि दो हमें यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, फंक्शन मिल रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. तो हम यहाँ पे साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन माने या फिर एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन माने, किसको माने यहाँ पे? तो हम यहाँ पे देखेंगे इसकी प्रायोरिटी. तो साइन एक्स आपका कैसा फंक्शन है बेटा? साइन एक्स जो है आपका वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक. कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक, यह है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. जबकि आपका x क्या है? एलजेब्रिक, एलजेब्रिक, एलजेब्रिक फंक्शन. तो ये बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक की ज्यादा प्रायोरिटी है या फिर एलजेब्रिक की ज्यादा प्रायोरिटी है आपके आइलेट रूल के थ्रू? तो हम यहाँ पे देखते हैं, i इज अ इनवर्स, l इज अ लॉगरिथम, a इज अ एलजेब्रिक, यानी कि a हमको फर्स्ट मिल रहा है. तो यानी कि हम एक्स स्क्वायर जो होगा, एक्स स्क्वायर इसे हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन. ठीक, फर्स्ट फंक्शन यानी कि हम u से डिनोट कर देते हैं इसे. ठीक है, और आपका t आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो आपका ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x. साइन x आपका कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो आपका ये क्या हो गया? आपका सेकंड फंक्शन, जिसे हम v से डिनोट कर देंगे. ठीक है, तो जब आपका इतना मिल गया तो आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे निकाल लेना है. अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में आपसे ये कह दूं कि मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल से इसे नहीं निकालना चाहता, मैं कुछ इसे अलग तरीके से निकालना चाहता हूँ, तो वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा. विद इन आफ वन मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो, जो आप इसी से लाओगे. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको बताता हूँ मैं जो आपका बाय पार्ट रूल है उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए. ओके, तो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. नाउ हम यहाँ पे बाय पार्ट रूल लगाते हैं. ठीक है बेटा, बाय पार्ट रूल. ओके, तो बाय पार्ट रूल के थ्रू हम निकाल लें इसे. तो हमारा यहाँ पे बाय पार्ट रूल के थ्रू क्या था? यू, यानी कि हमारा है यहाँ पे साइन एक्स डॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, लेकिन हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, देन दिस इज सेकेंड. ओके, सो फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे? साइन, यानी कि हम एक्स को एज इट रख देंगे बेटा. ठीक है, करेक्ट, जब एक्स को हम एग्जिट रख देंगे तो हम करेंगे यहाँ पे साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, देन माइनस, माइनस सिंबल याद रखें, देन उसके बाद आपका इंटीग्रेशन, फिर आपका डिफरेंशिएशन, सॉरी एक्स लगा दिया, देन डी अपॉन डी एक्स, आपका क्या होगा बेटा यहाँ पे? सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज अ फर्स्ट फंक्शन, देन आपका यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट यानी कि डॉट, फिर उसका इंटीग्रेशन किसका है बेटा? हमारा साइन एक्स डी एक्स. ओके, मैं इसे रफ कर दूं. ओके, शो इसका इंटीग्रेशन. ठीक है, मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ. ओके, सो अब जब हम इसे आगे तरफ सॉल्व आउट करेंगे तो ये सॉल्व होगा आपका एक्स स्क्वायर आपका सेम रह जाएगा यहाँ पे, देन आपका साइन एक्स आपका माइनस के कॉस एक्स होता है. ठीक है, माइनस के कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन में, देन आप माइनस कीजिए, देन उसके बाद आपका ये हो जाएगा डी एक्स, यानी कि पहले आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, आपका हो गया है टू एक्स, देन डॉट आपका साइन एक्स यानी कि माइनस के कॉस एक्स, कॉस एक्स. ओके, सो आपका ये हो जाएगा डी एक्स. ठीक है, डी एक्स यानी कि आप इसका माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे
तो ये किसका हो जाएगा, यहाँ से आप हटा दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे आगे की तरफ क्या करना है, बेसिकली अब देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस के कॉस एक्स, अच्छा यहाँ पे आपका हो गया प्लस, अब देखिए आपका 2x एंड cos x फिर से मिल गया यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे अगेन बाई पार्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे अगेन बाय पार्ट रूल। देखिए जब जब हमको ये दो प्रोडक्ट मिलते रहेंगे वैल्यूज के, तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई पार्ट रूल का यूज करेंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली इसे निकालते हैं, तो 2x एंड cos x है, तो फिर से वही चीज, देन 2x, चलिए मैं अलग से करता हूँ वरना आपको हो सकती है दिक्कत, ठीक है, तो आप कलर वाइज समझ जाओगे। सो 2x को आप यहाँ पे क्या करें, बेसिकली आप इसे सिंपल रख दें इस तरीके से, ठीक, मैं इस तरीके से कर देता हूँ इसे वन, 2x को आप सिंपली रख दोगे। अब इंटीग्रेशन किसका करोगे, cos x का, ओके हाँ cos x का करेंगे, देन आपका cos x, जब आप cos x का इंटीग्रेशन करोगे देन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, देन आपका फिर से इंटीग्रेशन, देन आपका यहाँ पे आएगा 2 का डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स, देन आपका 2x, देन आपका डॉट, देन आपका cos x, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, देन आपका dx, ठीक है ना, इतना हुआ। अब इसके बाद आपको जब ये आगे सॉल्व करना है, तो आपका एक्स स्क्वायर ओके माइनस के cos x, देन आपका प्लस ओके, सो आपका ये 2x 2x ही रहेगा, cos x होता आपका सॉरी sin x हो जाएगा, ये sin x ओके, देन माइनस माइनस आपका ये हो जाएगा बेटा ओनली 2 इंटीग्रेशन अभी तो 2, फिर आपका डॉट डॉट होने के बाद आपका ये cos x है, तो आपका ये हो जाएगा sin x ओके, सो नाउ dx, ठीक dx। अब देखिए आपका यहाँ पे 2 मिल गया और sin x मिल गया, एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें फिर से मिल गया, तो हमें अगेन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन अगेन बाय पार्ट रूल, तो हमें अगेन यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, बाय पार्ट रूल लगाना पड़ रहा है, तो हम फिर से इसे सॉल्व करेंगे आगे की तरफ। तो अब मैं करता हूँ इसे रेड से, ठीक है, तो आपका क्या है, पहला एक्स स्क्वायर, देन आपका माइनस के कॉस एक्स ओके, देन आपका प्लस, देन आपका ये 2x, मैं सिंपली कर लूँ इसे, ठीक है, और इसे साइन एक्स ओके, सो अब ये माइनस का है, तो आपका ये माइनस का ही रहेगा। अब ये है आपका बाय पार्ट रूल वाला टर्म, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को एज इट रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स का, साइन एक्स का जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे माइनस, देन हम आप 2 का डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपका 0 हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर दूँ 0, चलिए मैं लिख ही लेता हूँ वरना आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपका 2 डॉट सॉरी गाइस, हाँ डिफरेंशिएट करेंगे इसका हम डी अपॉन डी एक्स, आपका 2, देन आपका पॉइंट, फिर आपका इंटीग्रेशन, आपका साइन एक्स, देन आपका ये क्या हो जाएगा बेटा डी एक्स, इंटीग्रेशन आपका डी एक्स, फिर आपका ये किट बंद ओके। सो नाउ इसे भी हम देखिए बंद करना भूल गए थे, ठीक है। सो अब आपको ये जब आगे सॉल्व आप करोगे, तो इसे कुछ इस तरह हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के कॉस एक्स, देन प्लस 2x एंड आपका साइन एक्स ओके, देन आपका ये माइनस है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका 2 ही रहेगा, तो आपका ये माइनस के 2 कर दूं मैं इसे, देन साइन एक्स जो होता है वो आपका माइनस के कॉस एक्स कर देता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, देन आपका ये हो जाएगा कॉस एक्स ओके, सो आपका ये माइनस का हो जाएगा, देन आपका ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका माइनस के कॉस एक्स, ठीक। अब आप इसका तो इंटीग्रेशन नहीं करोगे, क्योंकि आपका 0 ही हो जाएगा, तो आप इस टर्म को कर दीजिए डिलीट, यानी कि रफ, ठीक है, तो आपका सिर्फ इतना टर्म निकलेगा, जो कि आपका यहाँ पे क्या निकलाया, आंसर, आंसर क्या निकला आपका, अच्छा अगर आप इसे पूरा लिखना चाहो तो आप एक तरीके से और कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ओके, तो ये टर्म आपका पूरा हो गया, तो दिस इज आंसर।
ओके तो आपका क्या निकला है बेटा आंसर, लेकिन कौन से टाइम पे निकला, देखिए फर्स्ट टाइम आपने क्या किया बाय पार्ट का रूल, सेकंड टाइम बाय पार्ट का रूल है, थर्ड टाइम बाय पार्ट का रूल, आपने यहाँ पे थ्री टाइम बाय पार्ट का रूल लगाया तब कहीं जा करके आंसर निकला। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े और ये जल्द से जल्द सॉल्व भी हो जाए, ठीक है। तो यही आंसर आपका जो है मैं लेके आता हूँ यहाँ पर, वो भी विद इन वन मिनट के अंदर, घड़ी से टाइम मिला लेना, ठीक है। चलिए निकालता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो देख लेना। तो गाइस अब इसी क्वेश्चन को जो है मैं निकालने वाला हूँ चैन रूल की मदद से, ठीक है। तो चैन रूल आपका होता क्या है पहले तो आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। देखिए चैन रूल जो है आपका बायपार्ट रूल से ही बना है और ये कुछ ही कंडीशंस पर यूज किया जाता है, और इस क्वेश्चन में चैन रूल की जो कंडीशन है वो आपकी एग्जिट कर रही है, इसलिए हम इसे चैन रूल की मदद से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको चैन रूल समझाऊं, उसकी कंडीशन नहीं, कंडीशन बताऊंगा बाद में, अब चैन रूल आपको समझा देता हूं पहले, ठीक है। चैन रूल क्या होता है आपका, सपोज आपके ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है। अब आपकी जो ये दो फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन जो है आपका, तो आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट रख दीजिए, यहाँ पे क्या रख देंगे बेटा, एज इट रख दीजिए, ठीक है। अब जो सेकेंड फंक्शन है आपका, उसका कर दीजिए आप क्या, इंटीग्रेशन, क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। अब जब इंटीग्रेशन हो जाए तो आपका यहाँ पे होता है फर्स्ट टर्म प्लस और ये होता है आपका माइनस, यानी कि अल्टरनेटिंग सीरीज की तरह, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे, अब आपका जो ये वाला टर्म है ना, इसका आप कर दोगे क्या, डिफरेंशिएशन, डी वाई सॉरी डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। मैं बाय लगा देता हूँ, यानी कि आप चलिए बन बनाएगा यहाँ पे बाई की जगह पर, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो आप इसका क्या करोगे, फिर से आप इसका करोगे इंटीग्रेशन इसी तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, जो आपका सेकंड वाला आएगा ना, यानी कि ये आपका फर्स्ट टाइम पे निकला, ये आपका सेकंड टाइम पे, फिर इंटीग्रेशन करोगे। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब आपका ये वाला जो टर्म होगा आपका क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा यहाँ पे, देन अब आपका ये जो सेकेंड टर्म है इसका आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है कि सेकेंड डिफरेंशिएशन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके सो आपका आई, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट, और इसका आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन इस वाले टर्म का, तो इसका आप करोगे इंटीग्रेशन, थर्ड टाइम इंटीग्रेशन। और इसे आप कब तक करोगे, जब तक कि आपका लास्ट वाला टर्म जीरो ना हो जाए, या आप ये कह सकते हो आपका फर्स्ट वाला टर्म का हम डिफरेंशिएट जब तक करते हैं जब तक कि वो जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो वहीं पे आपका टर्मिनेट हो जाता है, आगे वो चलता ही नहीं है, और आपका यही प्रोसेस चलता है सेम, यानी कि इसका मतलब आपका एक्स स्क्वायर आपने लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर आप फर्स्ट टाइम में करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आएगा ये 2x, फिर आप सेकेंड टाइम में इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2, और जब आप थर्ड टाइम में इसका करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, तो सिंपल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और निकालते हैं, ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ, आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो अब हम आ रहा है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को हम कैसे लिख देंगे बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे हम यहाँ पे, इंटीग्रेशन साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, तो मैं माइनस का यहाँ पे लगा दूँ और यहाँ पे क्या कर दूँ मैं कॉस एक्स, ठीक है, सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या था हमारा प्लस, देन हमारा यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस ना बेटा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये है हमारा सेकंड फंक्शन। अब इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करने पे आपका ये क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, देन उसके बाद हम यहाँ पे cos x का करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये माइनस का तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका cos x आ गया, अब cos x आ गया है तो आपका ये होता है आपका माइनस के sin x, क्या होता है, माइनस के sin x। तो जब ये माइनस का sin x है तो फिर आप जब इसे आगे की तरफ सॉल्व आउट करोगे तो आपका यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, देन उसके बाद आप 2x का जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपका ओनली यहाँ पे आएगा 2, और माइनस के साइन x यानी कि आपके पॉजिटिव का cos x आएगा, तो आप यहाँ पे कर दीजिए cos x, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका साइन x जो होता है उसका इंटीग्रेशन जब आप निकालते हो तो वो आपका आता है ऑलवेज माइनस का cos x, तो आपका माइनस का ऑलरेडी था तो वो आपका हो गया प्लस का यानी कि cos x। सो आपका आंसर देख लेते हैं मैच करके, माइनस के cos x प्लस के 2x, ओहो फिर से कोई गड़बड़,
ओहो यार, हमसे फिर से एक गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ ये हो गई कि जो कॉस एक्स होता है आपका डी एक्स, ठीक है, वो आपका ऑलवेज क्या आता है आपका साइन एक्स, तो आपका यहाँ पे प्लस का आएगा। ठीक है, तो होती रहती है छोटी मोटी गलती, माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका देखिए आंसर सेम हो रहा है, माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, देन प्लस के 2x, प्लस के 2x एंड साइन एक्स, प्लस के 2 एंड कॉस एक्स। तो आपने विद इन 1 मिनट के अंदर मुश्किल से आपने निकाल लिया होगा ये आंसर। ठीक है, तो अब आप चैन रूल को कब अप्लाई कर सकते हो, ये बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर देखिए इसके कंडीशन एग्जिट करती हैं इस तरीके से, जैसे कंडीशन में लिखता हूँ कंडीशन, तो इसकी कंडीशन क्या है ये कंडीशन समझ लीजिए। तो पहली जो इसकी कंडीशन है वो कंडीशन है बेटा, इसकी पहली कंडीशन, अगर x की पावर n, ठीक, और यहाँ पे आपका कैसा फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल, कैसा फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखना। अगर ये कंडीशन यहाँ पे मिलती है आपको, तो आप समझ जाइएगा कि आपको यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर देना है, जिसका आंसर आप विद इन सेकेंड के अंदर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स लगाइए, एक्स की पावर 1 हो गया, देन डॉट आप साइन एक्स लगा दीजिए। ठीक है, आप करिए एक्स स्क्वायर डॉट साइन ए एक्स लगा दीजिए, तो हो गया। इसी प्रकार आप एक्स क्यू लगा दीजिए और आप ई की पावर एक्स कर लीजिए, आप यहाँ पे ई की पावर 4 कर लीजिए, सॉरी एक्स की पावर 4 कर लीजिए और यहाँ पे ए की पावर एक्स कर लीजिए, या ऐसा हो सकता है आपका एक्स कर लीजिए 5 और आप यहाँ पे कर लीजिए ई 2x कर लीजिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ऐसी ढेर सारी आपकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यानी कि इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं वो आपके एग्जिट करते हैं चेन रूल के एप्लीकेशंस के लिए, यानी कि चेन रूल का आप यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हो, यानी कि उसको अप्लाई कर सकते हो विद इन सेकेंड के लिए इस आंसर को निकालने के लिए। चाहे तो आप, अगर यकीन ना हो तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप जो है बाय पार्ट से निकालिए, फिर आप निकालिए चैन रूल से, तो आपकी खुद समझ में आ जाएगा कि आपका चैन रूल कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यही आपको फोरियर सीरीज में यूज़ करना है, ज़्यादातर ऐसी कंडीशन हमको मिल ही जाती हैं चैन, मतलब फोरियर सीरीज को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे जो है ऑड एंड इवन फंक्शन और बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, और डेफिनेट इंटीग्रेशंस भी बताऊंगा, साथ में फोरियर सीरीज का जो है फॉर्मूले भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बता नहीं पाया है, तो इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट कल आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।